रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।
उनके बारे में बहुत ढेर बात अभी करना का करने का टाइम नहीं है। उसके बाद दूसरा नंबर लगा रास्ता, उनका भी तकरर नहीं किया। रास्ता पे हमारे पेरेंट में के सब लोग की एक राय थी, बहुत अच्छी तस्वीर। और माशाल्लाह रास्ता 3 या 4 साल स्कूल संभाले, इतना अच्छे तरीके संभाले तो मैं बता नहीं सकता। कोई आवाज नहीं, एकदम शांति से स्कूल का निजाम कर। अब जब वो रास्ता जाने वाले थे तो मैं सोच रहा था कि 2-3 साल लिखकर बच्चा होगा तो बहुत अच्छा है, अभी मैं किसको बनाऊ, परेशान था। फिर मैं सीनियरिटी से देखा कि सीनियरिटी से कौन है, तो हमारे ड्राइंग टीचर जो है, क्या नाम है उनका, अरे प्राइवेट टीचर सैयदा देशमुख। मैं इसे फोन पर रात कर दिया, उससे छुट्टियों का टाइम चल रहा था। मैं बोला आपा तुम बन जाओ, मुझको बताया गया कि वो बहुत कुछ कर सकती है मौका मिले तो, लेकिन बोले हम उनको समझ नहीं पा रहे यार, तो बना देंगे आपको। तो वो माजरत कर दी, उनकी जो भी मजबूरी हो। फिर मैं बहुत ध्यान दिया तो रुपया पर ध्यान दिया, मतलब रुपया पर तैयार कर, तो रुपया पर को तैयार किया गया। माशाल्लाह सब मैनेजमेंट को तैयार हो गए और उन्होंने जो काम किया वो तो बहुत बेहतर था। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि मेरे टाइम में जितने लोग आए सब बेहतर लोग आए और मैं अब सबसे बहुत खुश हूं। अब आगे क्या होगा ये देखना है ना। अभी तक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चला निजाम, लेकिन अब आगे क्या होगा ये देखना है। बहरहाल क्या होगा, क्या जो आएगा अपना काम करेगा तो अल्लाह ताला के पास भी उसको उसका सही सिला मिलेगा और दुनिया में भी लोग देखेंगे कि भाई ये टीचर क्या करता है। हमारे रुपया पर जुनून बहुत देखा, ऐसे ही आमिन सर भी जुनूनी थे और ये भी जुनूनी, इनको भी बहुत जुनून। बेटे स्कूल में मौजूद, मैं बोला आपा स्कूल में, बोला अभी क्या कर रहे, बोले ये काम कर रहे वो काम कर रहे। गरज के बहुत ढेर तारीफ नहीं करूंगा, मोटी मोटी बात समझा दिया मैं कि माशाल्लाह इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है और शहर में भी अच्छा नाम कमाया है। बाहर में शहर में भी हर स्कूलों में कोई ना कोई बड़े प्रोग्राम में बच्चों को ले जाके ट्रेन करके इनाम हासिल करना वगैरह वगैरह। तो आपा के बारे में मैं बहुत ढेर तारीफ करूँ, वो भी अच्छी बात थी, किसी की भी तारीफ बहुत ढेर करना नहीं चाहिए। जैसा करने की ये ना गलत तरीका है और गैर शरई है। आपा की एक बात बहुत समझ आई मेरे, तो उनके रुके में लिखा कि तोहफे पवाए ना लाए, लेकिन लोग मैं देख रहा उस पर अमल नहीं कर रहे, ले लेके चले आ रहे। ये क्या हुआ, एक आदमी मना कर रहा है एक आदमी ला रहा है, तो ये गलत है कि लेकिन नहीं ना वो ऐसा है नहीं ना वो वैसा है, ये सब फालतू बात। जब रुके भी लिखा दिया गया कि नहीं लाना चाहिए तो नहीं लाना चाहिए। आप तो बहुत ज्यादा अंदर थे उनके घर जाके, तो ये सब गैर शरई अमल है। इस पे होता क्या है कि देखना उनको लाया नहीं, जब वो सही औरत है उस पर लिखा है ना, आज जो लाया जा रहे थे लिखा रहा होगा बाद में लाए, एक फिटका खड़ा कर दिए। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। और भी ऐसी बहुत सारी चीज है कितने की जिससे उससे बच्चे चाहिए। बाकी तारीफ क्या है, इनकी बोलो तो मैं रात भर तारीफ करूँ और ये खुश होती रहेगी, लेकिन ये गलत है। तारीफ मुख्तसर होना चाहिए, बहुत अच्छा आदमी है या बहुत अच्छी औरत है तो उसकी मुख्तसर तारीफ होना चाहिए। मोटे मोटे जल्दू में इतना बोल के मैं माजरत के साथ अपनी तकलीफ खत्म करता हूँ। सलाम अलैकुम। एग्जाम के ताल्लुक से जो हिदायत क्लास टीचर हजरात को देना है वो प्रोग्राम के अख्तिताम के बाद तालबात को हिदायत दे देंगे क्लासरूम में पहुँचने की, और वहाँ उसके ताल्लुक से जो भी हिदायत देना है आप लोग उनको हिदायत देंगे। आइए, रस्म शुक्रिया के लिए मैं
55 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का आलम बरदार ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।